चलिए स्टूडियो में स्वागत करते हैं श्याम झा जी का, जो भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं। विकेश मेहता जी हमारे साथ पहले से मौजूद हैं और मेरे सहयोगी संयोग जैन भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। श्याम जी, सबसे पहले तो आपसे ही, क्या उम्मीद थी इतनी? जी बिल्कुल, जहां आपने अभी दोहराया कि मोदी है तो मुमकिन है, ये तो पहले से ही तय था। जनता का जो प्यार और विश्वास जिस हिसाब से हमें मिल रहा था, क्षेत्र में जाते थे, गाँव गाँव ढाणी ढाणी तक गए, और जो विश्वास लोगों ने जताया था, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका पूरे देश की जनता को चरण वंदन करना चाहूँगा जिन्होंने इतना स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया और हमारे ऊपर विश्वास जताया, हमारे कार्य को सराहा, इसके लिए उनको नमन और वंदन। जी विकेश जी, आप क्या कहेंगे, अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है क्या? मैडम, आपने मुझे पहले भी पूछा था, वही वापस मैं आपको जवाब दूंगा कि जो भी फैसला है जो कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता ने दिया है या देश की जनता ने दिया है, वो शिरोधारी है और बड़ी विनम्रता से, शालीनता से हमको स्वीकार करते हैं। और हम इस जो भी हमारी कार्यकर्ताओं के साथ में, हमारे छोटे से छोटे नेताओं के साथ में और जनता के साथ में हमारा एक संवाद कायम करके उसकी कमियां चुनाव में हम कहां चूक कर गए वो देख के, और फिर हम आगे से उसको अगले चुनाव। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे एक चेहरा जो सामने होना चाहिए था, जो एक लोकसभा चुनाव होता है, एक प्रधानमंत्री पद का एक प्रोजेक्ट होता है, एक चेहरा, अगर वो चेहरा सामने होता तो शायद कांग्रेस के लिए आसानी रहती? नहीं, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा, आपको पता ही है कि राहुल गांधी जी का चेहरा सामने था, वो सब जगह रैलियों में वही आगे रहे, लीड किया, और प्रदेश के जाजा भी मुखिया थे, उन्होंने लीड किया, चेहरे रहे हैं। और इस बार तो प्रियंका गांधी जी भी थोड़ा सा चुनाव के पहले आए और उनको यूपी की जिम्मेदारी की थी, तो चेहरे पूरे कांग्रेस के भी थे। और विकेश जी, मैं आपकी बात काटूंगी, बड़ी उम्मीद थी प्रियंका गांधी जी जब चुनाव मैदान में उतरी, कांग्रेस को एक उम्मीद जगी, कार्यकर्ताओं को बड़ी उम्मीद जगी, नहीं लगता वो उनका कुछ जादू कहें या कोई एक उनके व्यक्तित्व का जो करिश्मा था वो मोदी के आगे बिल्कुल धूमिल सा हो गया? नहीं, प्रियंका जी ने जो संगठन की जिम्मेदारी अभी लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही संभाली, यूपी में प्रभारी बना के उनको महासचिव के साथ भेजा गया, वो अभी वो सब फील्ड में फटाफट गए, समय कम था, लेकिन वो जो भी अपनी एनर्जी दे सकते थे उन्होंने पार्टी को दी है। लेकिन आप, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, देखिए नतीजा आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और अभी तक राजस्थान के अंदर करीब 7 या 8 लोकसभा सीट के ऊपर जो है नतीजे घोषित हो चुके हैं। भीलवाड़ा से सुभाष भेड़िया को विजय घोषित कर दिया गया है, बीकानेर से अर्जुन लाल मेघवाल को घोषित कर दिया गया है विजय, श्रीगंगानगर से नियालचंद मेघवाल को घोषित कर दिया गया है, दिया कुमारी को राजसमंद से घोषित कर दिया गया है, अलवर से बाबा बालकनाथ को घोषित कर दिया गया है, दुष्यंत सिंह को झालावाड़ 12 की लोकसभा सीट है वहां से घोषित कर दिया गया है, और राहुल कसवा को चूरू लोकसभा सीट है यहां से विजय घोषित कर दिया गया है। जो निश्चित तौर पर आज सुबह से जो 25 लोकसभा चुनाव का परिणाम जो एक रुझान आने लगे थे, लगता है कि उसके अंदर कोई फेरबदल अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। राखी जी, 25 के 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हुई नजर आ रही हैं, और जो बाकी की सीट भी जो हैं, जो अभी जो मार्जिन चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच में, तो वो बहुत बड़ा मार्जिन है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो मार्जिन अब कोई बहुत ज्यादा कोई वोटिंग बाकी काउंटिंग बाकी रहेगी तो उसके अंदर पट पाएगा, तो निश्चित तौर पर जो प्रारंभिक रुझान है वही अब अंतिम परिणाम के अंदर परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं अभी, क्योंकि जो हम अभी अंतर देख रहे हैं, रुझान देख रहे हैं, 50,000, 60,000, 1,00,000 तक की लीड कई जगह है, तो वो उनको एक तरफा ही माना जाएगा कि एक तरफा ही अब उनके नतीजे बस आने ही बाकी हैं, क्या कहेंगे श्याम जी? जी बिल्कुल, हमें पहले से ही ऐसे नतीजों की उम्मीद थी, और जो 2014 का जो चुनाव परिणाम था वो दोबारा से राजस्थान की जनता ने दोहराया है, और जो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो किसानों को झूठ बोल करके उनको बाद में उनको लगा कि हम ठगे से रह गए, 10 दिन में कर्ज माफ़ी की बात की, या बेरोजगारों को 3,500 रुपये अगले महीने से खाते में आ जाएंगे आपके, ये बात की, तो वो कहीं ना कहीं जो आक्रोश था किसानों का और बेरोजगारों का वो फूट के सामने आया है। पिछले 4 महीने से जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो आपसे और राजस्थान की जनता से छुपी नहीं हुई है, जिस हिसाब से अपराध, बलात्कार, लूट की घटनाएं बढ़ी है और जो जनता त्रस्त हुई है इन चीज़ों से, उस वो जो कहीं आक्रोश था वो दोबारा फूटा है, और जो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जो जीत हासिल हुई थी उसके विपरीत ये करारा जवाब दोबारा से राजस्थान की जनता ने दिया है कांग्रेस पार्टी को। मैं मेहता जी, जो अभी राखी जी का आपका सवाल अभी चल रहा था विकेश मेहता जी से प्रियंका गांधी को लेकर के, मैं थोड़ा सा उसी बारे में आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ।
क्या अब आपको लगता नहीं, क्या अब आप कांग्रेस के लिए ये अलार्मिंग पोजीशन नहीं है कि अब समझ जाना चाहिए कि जो गांधी परिवार का एक रुतबा और वर्चस्व कांग्रेस के अंदर था उसको लेकर के अब कांग्रेस को वापस कुछ पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये वो चुनाव था जिसके अंदर कांग्रेस के तीनों जो गांधी परिवार के सदस्य हैं, सोनिया गांधी जो कि अस्वस्थ हैं, बुजुर्ग हो चुकी हैं, वो इतना एक्टिव नहीं रही, पर चुनाव उन्होंने लड़ा रायबरेली से, प्रियंका गांधी पूरी तरह से सक्रिय रहे, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते पूरी तरह सक्रिय रहे, तो पूरा परिवार अब एकजुट होकर के चुनाव मैदान में उतर चुका था, पर कोई चौंकाने वाले परिणाम नहीं लेकर के आ पाया, बल्कि पिछली बार की तुलना में कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया है, तो अब लगता नहीं है कि आपको मेहता जी अब कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है अब इस बीच पर? देखिए, चुनाव परिणाम अभी आ जाए हैं, जो भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस कार्य समिति है, प्रदेश के लोग हैं, वो वहाँ पे राष्ट्रीय लेवल की कार्यकारिणी उनकी बैठक होंगी और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की चिंता वरिष्ठ नेता करेंगे और एक रणनीति बनाएंगे कि उसको देश में कैसे लाना जा रहा है। और आज सत्ता बीजेपी को मिली है तो ऐसा नहीं है कि 10 साल तक मनमोहन सिंह जी ने भी राज किया, आज 10 साल अगर मोदी जी रहते हैं तो प्रियंका गांधी जी और राहुल जी का नेतृत्व भी देश में तैयार हो रहा है। और वापिस प्रियंका जी को जो इंदिरा जी का रूप बताकर और जिस हिसाब से वो फील्ड में जा रहे हैं, अभी 2 महीने हुए थे उनको आए हुए, लेकिन कोई न कोई रणनीति तो बनाएगी। आज इतनी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर सोचने वाले खूब लोग बैठे हुए, इसको आत्ममंथन करेंगे और एक नई सोच के साथ वे वापिस पार्टी को पूरे देश में ले जाके चुनाव लड़वाएंगे। चलिए, हम तो ये सोचते हैं कि आपकी जो धारणा है उसको कांग्रेस के लोग समझें और इस बात को माने, पर राखी जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी तक के जो परिणाम राजस्थान के अंदर आए हैं, बाबा बालकनाथ अलवर से चुनाव जीत गए, जिनके खिलाफ जीते हैं भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ जीते हैं जी, अब बहुत बड़ा धक्का है कांग्रेस के लिए, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह बड़ा चेहरा माना जाते हैं राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति के अंदर। राहुल गांधी वहां जो प्रत्याशी खड़ा था वो भी कहीं ना कहीं इस उनके गणित को, समीकरण को उन्होंने बिगाड़ा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर राखी जी, जो वहां पर अकबर खान नाम का एक व्यक्ति बीएसपी के से खड़ा हुआ, रेवाड़ी का वो रहने वाला था और जिसका उसका बैकग्राउंड है वो व्यावसायिक बैकग्राउंड है, और कहा जाता रहा है कि वो बीजेपी की इक्वेशन के कारण वहां पर खड़ा हुआ, तो जो वहां पर कांग्रेस का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो मेव वोट बैंक है और वो मेव समाज से जुड़े हुए हैं अकबर खान, तो निश्चित तौर पर उनका बहुत बड़ा डेंट लगा भंवर जितेंद्र सिंह के लिए। काफी कोशिश करी थी उन्होंने शुरुआती दौर में कि इस डेंट को वो काबू कर सके, उनको किसी तरह से विड्रॉल करा सके, मना सके, पर वो हो नहीं पाया। और वहीं दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ यादव समाज से आते हैं, पूरा यादव समाज एकजुट होकर के उनके साथ में लगा और निश्चित तौर पर मोदी की, हालांकि बात करें जो चांदना जी जिनका निधन हो गया, उनके प्रति जो वहां का उनके जो कंस्टिट्यूंस के लोग थे उनमें नाराजगी भी थी कि कोई चांदना जी ने काम नहीं किए, सब कुछ है, उपचुनाव में वहां पर हार भी हुई थी बीजेपी की, उसके बाद अब एक बार फिर जीत हुई है जी। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का बाय इलेक्शन का चुनाव हो, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं बीता, हम ये नहीं कह सकते राजस्थान की सरकार अभी जो बनी है वो कोई एंटी इनकम्पेंसी फैला चुकी है जो लोगों ने उनको नकार दिया, तो जो चंद महीने उसको बीते हैं, पर जनता ने इस कदर अपना माइंडसेट सुना है, तो निश्चित तौर पर हम इस चीज को कहीं नकार नहीं सकते कि मोदी को लेकर के लोगों में भारी प्रोपेंसिटी थी, रुझान था, लगाव था, जिसके कारण आज वोटों में वो तब्दील हुआ और वो पूरी ना सिर्फ राजस्थान में, आप पूरे देश के अंदर उठाकर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर महागठबंधन की जिस कदर हालत हुई, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ा और कांग्रेस उनके साथ में थी, कांग्रेस वहां पर प्रियंका गांधी ने पूरी जान झोंक रखी थी, पर निश्चित तौर पर जो आज जो मैंडेट निकल करके आ रहा है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के पक्ष में। मैं आपको बताऊं, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह करीब 2,70,000 से ऊपर की लीड ले चुके हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर ग्रामीण में वो भी करीब 2 लाख की लीड के आसपास हैं। राखी जी, दुष्यंत सिंह की जीत की घोषणा कर दी गई है जी, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, हालांकि कुछ चैनल्स इस बात को चला रहे हैं, आधिकारिक घोषणा होना भी बाकी है, लेकिन हाँ जीत निश्चित है, अंतिम चरण की अभी मतगणना चल रही है और मार्जिन इतना बड़ा है तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें माना जा रहा है कि वो जीत जाएंगे, जीत ही कहा जाएगा। चलिए अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।